मेडा बे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आज लाया हूँ 20th एंड 21st अगस्त का जो भी न्यूज़ है, जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू लॉन्च, क्या क्या नया लॉन्च हुआ है। तो इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हिलीना। तो इंडिया ने हिलीना नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया है जो लॉन्च होगी। और ये कहाँ पे हुआ था टेस्टिंग? पोखरण इन राजस्थान में। तो इसको सक्सेसफुली टेस्ट करके इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है हिलीना। अब बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट की। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स व्हीकल यानी DRF व्हीकल इन हैदराबाद में। अब इनका काम क्या है? टू हैंडल सिचुएशन लाइक फ्लैश फ्लड, हैवी रेन, बिल्डिंग कोलैप्स एंड फायर मिसहैप, यानी कहीं भी बाढ़ की कोई आशंका हो, तेज बारिश हो, बिल्डिंग कोलैप्स हो रही हो या फिर कहीं आग का कोई मामला हो, तो वहाँ पे ये व्हीकल तुरंत ही रिस्पॉन्स करेंगे। इसलिए इसका नाम डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स व्हीकल रखा गया। द DRF व्हीकल विल बी पार्क एट द 24 लोकेशन विद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ये 24 लोकेशंस में पार्क होंगे। और ये किसके द्वारा है? विद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC DRF स्टाफ के द्वारा ये निर्धारित होंगे। अब बात करते हैं द फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट फॉर फ्रॉम द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन सेक्टर टू लुक इनटू द इशू ऑफ फूड लेबलिंग। यानी कि ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जो फूड पे लेबलिंग होती है उसमें हेल्थ से और न्यूट्रिशन से जुड़े जो जो एक्सपर्ट हैं उनका एक टीम बनाया गया है ताकि वो इस लेबलिंग को ध्यान से देखें इशू करने से पहले और इसके बारे में चर्चा करें। द एक्सपर्ट पैनल विल बी हेडेड बाई BCC किरण। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस टीम का हेड किसे बनाया गया है? BCC किरण को। और वो ही इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे कौन से न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डायरेक्टर हैं जिनको इस पैनल का हेड बनाया गया? वो है BCC किरण। अब बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने इनॉग्रेट किया है पनिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी। ये पनिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी का इन्होंने इनॉग्रेशन किया हुआ है। कहाँ पे? पोर्ट लुइस इन मॉरिशस। मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस, उसमें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट पर ये इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है। और सी कॉल्ड ऑन PM फॉर मॉरिशस प्रवीण कुमार जगन्नाथ। तो सबसे पहले तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रवीण कुमार जगनॉथ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मॉरिशस के PM कौन है, तो यहाँ याद रखिए। डिस्कस फर्दर डीपिंग दी स्पेशल टाइज बिटवीन दी टू नेशन, यानी दोनों देशों के बीच फर्दर क्या क्या और टाई हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा की गई। और द लैब हैज बीन गिफ्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गिफ्टेड की गई है और इट विल हेल्प MGI इन द टीचिंग ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज इन मॉरिशस। यानी कि मॉरिशस में अगर कोई लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज कोई भी सीखना चाहता है तो ये उसमें हेल्प करेंगे ये लेबोरेटरीज का। अब बात करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है टू ऑब्जर्व सेप्टेम्बर को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ बनाने का। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2018 में किस मंथ को बनाया गया है? तो वो है सितंबर को। इसका बेसिकली काम क्या है? टू मार्क द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द माल न्यूट्रिशन, यानी जो भी न्यूट्रिशन नहीं न्यूट्रिशन पोषक तत्व नहीं है उनके खिलाफ ये
फाइट अगेंस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं द मंथ लॉन्ग इंटेंसिव कैंपेन विल बी अंडरटेकन विद द एम ऑफ रीचिंग एवरी हाउस होल्ड विद द मैसेज ऑफ न्यूट्रिशन, हर घर पोषण। तो ये एक आ सकता है कि हर घर पोषण जो इसका स्लोगन है या कुछ भी कह सकते हैं आप इसका, वो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सितंबर 2018 में होगा। अब बात करते हैं द फर्स्ट एवर ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द इंडियन एयरफोर्स एंड द रॉयल मलेशियन एयरफोर्स, जो कि 20 अगस्त 2018 को सुबंग एयरबेस इन मलेशिया में हुई है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों देशों की एयर एक्सरसाइज इन्वॉल्व हुई है इसमें। तो ये आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एवर ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कब हुई है, 20 अगस्त 2018 को, कहाँ पे? सुबांग एयरबेस इन मलेशिया में। द एक्सरसाइज इन मलेशिया विल बी कॉल्ड एक्सरसाइज इलोंग शक्ति। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है इलोंग शक्ति। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट में बात करें तो श्री कुमार मेनन वॉज अपॉइंटमेंटेड एज द नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोम एंड प्रिंसिपी, यानी कि अब भारत से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोम एंड प्रिंसिपी के लिए जो अम्बेसडर होंगे वो होंगे श्री कुमार मेनन जी। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिटायर्ड जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट टीपी शर्मा जी, यानी कि ये रिटायर्ड जज है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जो अपॉइंट हुए। क्या अपॉइंट हुए? न्यू चीफ लोकायुक्ता ऑफ द छत्तीसगढ़, यानी कि ये छत्तीसगढ़ के नए चीफ लोकायुक्त बने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रिटायर्ड जज हैं जो नए चीफ लोकायुक्त बने हैं छत्तीसगढ़ के, वो है टीपी शर्मा जी। He will head छत्तीसगढ़ लोक आयोग सेट अप टू डील विद करप्शन केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या पब्लिक में काम कर रहे हैं उनके आगे जो केसेस हैं गवर्नमेंट को करप्शन के केसेस हैं उनसे ये डील करेंगे। अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो दिल्ली गवर्नमेंट्स एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ हेल्थ एस के अरोरा जी वाज अवॉर्डेड प्रेस्टीजियस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड नो टबाकू डे 2017 अवार्ड, यानी कि एस के अरोरा जी को वर्ल्ड नो टबाकू डे 2017 अवार्ड से नवाजा गया है। और ये किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड टोबैको कंट्रोल को देखते हुए ये है कौन, दिल्ली गवर्नमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हैं हेल्थ के लिए, एस के अरोरा जी को ये मिला है। अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गांधी जी ऑनर्ड हुए हैं विद राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हारमोनी एंड पीस, यानी शांति और शांति बनाए रखने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। गोपाल कृष्ण गांधी वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इससे इस क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जिनको सद्भावना अवार्ड से नवाजा गया है, तो वो है गोपाल कृष्ण गांधी जी। अब बात करते हैं डेज की। तो 20th अगस्त को वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे मनाया जाता है। बेसिकली ये डे ऑनर किया गया है किनको? ब्रिटिश डॉक्टर को सर डोनाल्ड रॉस की डिस्कवरी के लिए ये दिन मनाया जाता है। इन्होंने डिस्कवरी किया था इन 1897 में कि जो फीमेल यानी कि जो मादा मच्छर होती है उनसे मलेरिया इंसानों में फैलता है। तो ये 20 अगस्त 1897 को सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी उसके लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं 20 अगस्त को इंडिया में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया राजीव गांधी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब बात करें तो सद्भावना दिवस आल्सो नोन एज हारमोनी डे इज सेलिब्रेटेड इन 20th अगस्त ईच ईयर अक्रॉस पैन इंडिया, यानी पूरे भारत में ये
20 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात करें 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, जो मतलब आतंकवाद से जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी याद में, उनकी देखरेख में, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए 21 अगस्त को ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। बेसिकली द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सपोर्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड अपहोल्ड देयर राइट्स रेस्ट विद मेंबर स्टेट, यानी उनके हक के लिए लड़ाई और उन्हें सपोर्ट करने के लिए यह दिन मनाया जाता है 21 अगस्त को। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की, तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर है, इन्होंने मेंस सिनसिनाटी मास्टर्स 2018 का टाइटल जीता हुआ है। ही क्लिंच, इन्होंने अपना पहली बार सिनसिनाटी ओपन जीता हुआ है, और ये फाइनल में किसके खिलाफ थे, रोजर फेडरर थे, जो कि 7 बार के विनर थे और जो कि स्विट्जरलैंड के प्लेयर है। तो जोकोविक ने रोजर फेडरर जी को हरा कर ये खिताब जीता है। अब बात करते हैं इंडिया में एशियन गेम्स की, तो विनेश फोगट जो हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जिनको एशियन गेम्स में गोल्ड मिला है, यानी कि वो पहली महिला है रेसलिंग में एशियन गेम्स में जिनको पदक मिला हुआ है, और उन्होंने डिफीट किसको किया है, जापान्स यूकी आईरी इन द फाइनल ऑफ, तो 50 केजी की जो फ्री स्टाइल कैटेगरी है वुमेन्स रेसलिंग में उन्होंने गोल्ड जीता है, जो अभी तक इंडिया से एशियन गेम्स में किसी ने नहीं जीता था। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूज की, तो इंडियन एंड थाईलैंड आर्म फोर्सेस कंक्लूडेड अ 2 week लॉन्ग प्लेटून लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड एक्सरसाइज मैत्री 2018, जो कि कहाँ पे हुई है, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में। तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन कि एक्सरसाइज मैत्री 2018 कहाँ पे हुई है, जम्मू कश्मीर में, जिसमें किसने भाग लिया है, इंडिया और थाईलैंड के आर्म फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। The exercise was an annual event designed to strengthen the partnership between the armies of two countries. यानी कि दोनों countries के बीच में इस exercise को इसलिए किया गया है, दोनों countries के बीच में जो partnership है armies की, उनको और मजबूत करने के लिए ये event किया गया है, जिसका नाम है Exercise Maitri 2018. अब बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी ने वर्ल्ड लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस का खिताब जीता हुआ है। तो ऑन 20 अगस्त 2018 में द LIFO इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जर्मनी करंट अकाउंट सरप्लस विल रिमेन वर्ल्ड लार्जेस्ट इन 2018, और जर्मनी ने किसको सरपासिस किया है, जापान को। तो इसे जापान को पीछे छोड़कर सब वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो करंट अकाउंट सरप्लस होता है उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। बेसिकली जो करंट अकाउंट सरप्लस होता है वो मेजर्स करते हैं द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट, तो इन फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस और इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये रैंक निकाली गई है, जिसमें जर्मनी फर्स्ट रहा है। अब बात करते हैं जो ऑल इंडिया कॉटन कॉन्फ्रेंस है, जो कि वटिंडा में अभी अभी हुई है। तो द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन कॉटन फेडरेशन एंड इंडियन कॉटन एसोसिएशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल इंडिया कॉटन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, भटिंडा में। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है या किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, बाई इंडियन कॉटन फेडरेशन एंड इंडियन कॉटन एसोसिएशन। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटा ऑप्शन होता है वोटिंग में, यानी नन ऑफ द एवब, तो उन्होंने कहा है कि ये अप्लीकेबल नहीं होगा, राज्यसभा की जो इलेक्शन है उसमें ये नोटा ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस रूलिंग वाज मेड बाय अ बेंच जस्टिस कंप्राइजिंग CJI दीपक मिश्रा एंड जस्टिस AM खानविलकर वाई एंड DY चंद्रचौड़। तो इन लोगों ने मिलकर ये रूल निकाला है कि राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे
उसमें नोटा ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं चंद्रयान वन की। तो चंद्रयान वन ने एक डेटा भेजा है अभी और कंफर्म किया है कि मून के जो पोलर रीजन है वहाँ पर फ्रोजन वाटर के डिपॉजिट्स पाए गए हैं इन द डार्केस्ट एंड कोल्डेस्ट पार्ट। मतलब कि ये डार्केस्ट और कोल्डेस्ट यानी ठंडे वहाँ पे बर्फ के टुकड़े या गोले कह सकते हैं आपने, उसके डिपॉजिट्स पानी के पाए गए हैं मून के पोलर रीजन पे। बेसिकली चंद्रयान वन की बात करें तो ये इंडिया का पहला लूनर प्रोब है। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ने इसको अक्टूबर 2018 में इसको लॉन्च किया था। अब बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट इट्स साइट्स ऑन द सन विद द आदित्य L1 मिशन। यानी कि 2019 तक इंडिया का सूर्य की तरफ ये पहला मिशन होगा जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1 मिशन। इसरो चेयरमैन जो कि AS किरण कुमार जी हैं अनाउंस किया है इसको कि 2019 में ये लॉन्च होगा। बेसिकली इसका मेन एम क्या है? द मेन ऑफ सोलर मिशन इज टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनामिकल प्रोसेसेस ऑफ द सन। यानी कि जो डायनामिकल प्रोसेस है सूर्य की उसको ये समझने में इम्प्रूवमेंट करेगा एंड हेल्प रिसोल्व सम आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन इन सोलर फिजिक्स। और जो सोलर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ये सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 में इंडिया की तरफ से सूर्य के लिए कौन सा मिशन लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ये पहला मिशन है इसीलिए क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको आदित्य L1 के नाम से जाना गया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। मेडावे के साथ जुड़े रहिए। आप हमें कमेंट के फॉर्म में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के फॉर्म में बता सकते हैं। मेडावे के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।